हाय फ्रेंड्स, मैं हूं पारुल। मेरे चैनल घर संसार में आपका स्वागत है। आज मैं आपको भुट्टे का किस बनाना बता रही हूं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाने के बाद ऑल को ऑप्शन दबाना ना भूलें। मैंने ये गैस पे कढ़ाई गरम करने के लिए रखी है। इसी के अंदर मैं घी डाल रही हूँ। 2 बड़े चम्मच घी का यूज कर रही हूँ मैं। ये 2 चम्मच घी अच्छे से गरम हो चुका है। इसी के अंदर मैं हरी मिर्ची डाल रही हूँ। हरी मिर्ची को मैंने बीच से इस तरह से कट कर दिया इसे थोड़ा सा, ये ताकि मिर्ची जो हमारी फट के उड़े ना। कई बार ज्यादा फट जाती है मिर्चियाँ तो मुंह पे आने के भी उसके चांस रहते हैं। हम थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। गैस को मैंने अभी तेज रखा है। मुझे मिर्ची को इस तरह से फ्राई करते हुए 2 मिनट का समय हो चुका है। मिर्ची हमारी काफी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। गैस को मैं बिल्कुल कम कर रही हूँ, इसे आप निकाल लीजिए। मिर्ची को मैंने इस तरह से प्लेट में निकाल लिया। इसमें बिल्कुल हल्का सा मैं नमक डालूंगी, थोड़ा सा चाट मसाला, बिल्कुल थोड़ा सा ये अमचूर का पाउडर लिया है। इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि पूरा इसके ऊपर अच्छे से कवर हो जाए। चाट मसाला और अमचूर पाउडर डालने से जो मिर्ची का तीखापन रहता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। गैस को मैंने बिल्कुल लो करके रखा है क्योंकि घी जो है हमारा काफी अच्छे से गर्म हो चुका है। इसी के अंदर मैं 1 चम्मच राई, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच तिल्ली, 1.5 चम्मच मैंने सौंफ ली है, थोड़ी सी हींग, थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। इसी के अंदर बारीक कटे हुए 3 प्याज डाल रही हूँ। छोटे साइज के मैंने प्याज लिए थे। गैस को मैंने थोड़ा सा मीडियम कर दिया है। इसका थोड़ा हम कलर चेंज करेंगे, हल्का लाइट पिंक कलर लाएंगे। इसी के अंदर मैं 5 हरी मिर्ची और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया था। इसे मैंने इस तरह से दरदरा ग्राइंड कर लिया है, एकदम बारीक। इसको चटनी की तरह आपको नहीं पीसना, थोड़ा सा दरदरा रहना चाहिए। अगर आप लहसुन खाते हैं तो लहसुन को भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर अदरक खाना नहीं पसंद है तो उसे आप स्किप भी कर सकते हैं। मैं इसमें प्याज डाल के बना रही हूँ। अगर आपको बिना प्याज के पसंद है तो आप बिना प्याज के भी इसे बना सकते हैं। प्याज का कलर काफी अच्छे से चेंज हो चुका है, ये देखिए बढ़िया गोल्डन कलर आ गया। बस हमें इतना ही भूनना है, इससे ज्यादा भूनने की जरूरत नहीं। घी के कारण इसमें काफी सारे झाग आ रहे हैं। मैंने 5 स्वीट कॉर्न भुट्टे लिए थे, इन्हें मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है। इस तरह से आपके ग्रेट जो है अच्छे से बारीक होना चाहिए। आप चाहे तो दाने निकाल कर भी बना सकते हैं, लेकिन दाने निकाल कर बनाने से ये होता है कि इसे हम पीस लेंगे तो इसके जो छिलके रहते हैं बारीक बारीक व्हाइट वाले, वो फिर खाते समय मुंह में आते, इसलिए मैंने इसे ग्रेट कर लिया है। आप इसमें पूरा डाल दीजिए। मैंने 5 स्वीट कॉर्न भुट्टे लिए हैं, इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप इसे मिक्स अच्छे से कीजिए और इसे बनाते समय नॉन स्टिक कढ़ाई का ही आप यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि चिपकता काफी ज्यादा है। गैस को मैं थोड़ा सा तेज कर दूंगी अभी, जब तक इसमें अच्छे से उबाली आना स्टार्ट नहीं हो जाती है। इसके अंदर हल्की हल्की उबाली आने लगी है, गैस को मैं बिल्कुल कम कर रही हूँ। इसमें अब हम नमक डालेंगे। नमक हमें थोड़ा सा कम ही डालना है, बिल्कुल थोड़ा सा भी काला नमक भी साथ में इसमें ऐड करूँ। काला नमक से इसका जो टेस्ट है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। नमक डालने के साथ अच्छे से मिक्स कर दीजिए। गैस को भी मैंने थोड़ा सा मीडियम कर दिया है। इसी के अंदर मैं 1 कप ये फ्रेश मलाई डाल रही हूँ। मलाई डालने से इसका जो टेस्ट है और ज्यादा बढ़ जाता है और क्रीमी इसका टेस्ट है जो है काफी बढ़िया लगता है। गैस को मैं थोड़ा सा तेज कर रही हूँ। तेज गैस में इसे हम अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। मिक्स करते समय इसे आपको ध्यान रखना है, गैस को तेज करते समय इसको आपको कंटिन्यू चलाना है। देखिए इसमें हल्की हल्की उबाली फिर से आना स्टार्ट हो गई है। इसका आप ढक्कन लगा दिए। ढक्कन लगाकर आपको 5 मिनट रखना है, फिर इसे मिक्स करना है, हिलाना है हर थोड़ी थोड़ी देर में। इस तरह से आप इसे हिलाते जाइए। मुझे इसे करते हुए 5 मिनट का समय हो चुका है। मैंने इसे बीच में 2 से 3 बार मिक्स भी कर दिया था। ये देखिए साइड से आप देख सकते हैं जो हमने मलाई डाली थी उसका घी जो है वो बाहर आने लगा है। इसी के अंदर मैं 1/2 चम्मच ही हल्दी डाल रही हूँ, 2 चम्मच धनिया पाउडर और 2 चम्मच ही कश्मीरी लाल मिर्ची। इससे कलर जो है काफी बढ़िया आता है। इसे एक बार हम मिक्स कर देते हैं थोड़ा सा।
मसाले भी हमारे अच्छे से, इसका घी निकलेगा उसमें हमारे मसाले भी अच्छे से भून जाएंगे। मलाई डालने से ये होता है कि ज्यादा पैन में चिपकता नहीं है। हाँ, सिंपल कढ़ाई में अगर आप बनाएंगे तो थोड़ा सा चिपकता है। इसे आपको हमेशा ढक ढक कर ही करना है। इस तरह से मैं इसे ढक कर बीच बीच में चलाते हुए कम से कम 15 से 20 मिनट तक करूंगी, ताकि इसमें बिल्कुल भी कच्चापन ना रहे। मुझे इसे करते हुए 15 मिनट का समय हो चुका है। ये देखिए, 5 मिनट मैंने इसे पहले करा था, 15 मिनट बाद में करा। आप देख सकते हैं साइड से पूरा जो घी था वो पूरा हमारा बाहर आने लगा। ये देखिए काफी अच्छे से भून भी गया है, इसमें बिल्कुल भी कच्चापन नहीं, इसका टेस्ट भी काफी बढ़िया हो गया। अगर आपको इस तरह से गीला नहीं पसंद है तो इसके अंदर 1 कप आप बेसन को सेक लीजिए, उसके बाद इसमें आप मिक्स कर सकते हैं। इसी के अंदर मैं 1 चम्मच ये अमचूर का पाउडर डाल रही हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा गरम मसाला, ये भी पूरी तरह से ऑप्शनल है। गरम मसाला अगर आपको पसंद है इसमें तो आप जरूर डालिए, नहीं पसंद है तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। मुझे गीला पसंद है इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा गीला बनाया है। इसमें मैं बिना बेसन के इसे बना रही हूँ, काफी बढ़िया और टेस्टी लगता है खाने में। देखिए काफी अच्छी सारी चीजें हमारे इसमें अच्छे से मिक्स हो चुकी है। थोड़ी सी मैं धनिया पत्ती भी इसमें डाल देती हूँ, ताकि वो भी अच्छे से हमारी मिक्स हो जाएगी एक बार की। देखिए दिखने में कितना बढ़िया दिख रहा है, ये बिल्कुल भी इस तरह से बनाते हैं मलाई डालकर तो बिल्कुल भी पैन में चिपकता भी नहीं है और काफी अच्छे से भून भी जाता है। देखते हैं, ये देखिए कितना बढ़िया इसका कलर आया है। ये देखिए बिल्कुल मेरा बन के तैयार हो चुका है। आपको इसे मैं पास से दिखाती हूँ, कितना बढ़िया दिख रहा है। ये देखिए कलर भी कितना बढ़िया आया है और बिल्कुल अच्छे से सारी चीजें इसमें हमने जो डाली है सारी चीजें अच्छे से इसमें नजर आ रही है। इसी के अंदर मैं थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल रही हूँ, क्योंकि धनिया पत्ती हमने अंदर भी डाल दी है। इसी के अंदर मैं थोड़ा नींबू का रस भी डालूंगी, नींबू का रस डालने से इसका टेस्ट जो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। मैंने डेसिकेटेड कोकोनट लिया है, जो नारियल का बूरा रहते हैं मैंने उसमें उसका यूज करा है इसके अंदर। आप चाहे तो जो गीला नारियल आता है उसको भी ग्रेट करके इस तरह से इसमें डाल सकते हैं। इस तरह से डालकर खाने से इसका टेस्ट जो काफी बढ़िया आता है। साथ में हम जो इसकी मिर्ची हमने फ्राई करके रखी थी इसे भी इसके साथ में आप जरूर खाइए, काफी बढ़िया और टेस्टी लगती है इसके साथ में। बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी, झटपट बन के तैयार हो जाती है। इसमें हमने तेल का भी यूज नहीं करा, मलाई अगर आपके पास कम है तो थोड़ी सी आप कम भी डाल सकते हैं, उससे भी टेस्ट जो काफी बढ़िया आएगा। अगर आप इसे देसी भुट्टे से, जो नॉर्मल भुट्टा होता है अगर उससे आप बना रहे हैं तो उसके अंदर आप शक्कर जरूर डालिएगा। शक्कर डालने से उसका टेस्ट जो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। एक बार आप इस तरह से बना के देखिए, आपको काफी ज्यादा बढ़िया लगेगा। ये बेसन पूरी तरह से ऑप्शनल है, आपकी इच्छा है इसमें डालना तो सेक कर इसमें आप डाल दीजिए, थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा ये, इस तरह से थोड़ा सा गीला रहेगा। मेरे घर में इसे बिना बेसन के पसंद करते हैं, इसलिए मैंने इसी तरह से आपको बनाना बताया। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, प्लीज कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू।